पर सिरोही से कलयुग में भगवान का चमत्कार शिवलिंग के अभिषेक के लिए कुंड में प्रकट होती है गंगा माँ। 16 लाख पानी के घड़ों से होता है शिव का महाअभिषेक। कुंड के पानी से चर्म रोग ठीक होने का दावा। भारत देश विविधता वाला देश है। भारत में कई विशेषताएं हैं, कहीं अद्भुत चमत्कार की बातें भी सुनने मिलती हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सिरोही जिले के, जहाँ के आराध्य देव भगवान सारणेश्वर महादेव, जिसमें अलौकिक शक्तियों की जहाँ पर कुंड में शिवरात्रि के दिन गंगा माई खुद भगवान से अभिषेक के लिए प्रकट होती है। कुंड का ऐसा पानी जिसके लगाने से चर्म रोग दूर होता है, ऐसा चमत्कार जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी को भी झुकना पड़ता है। भगवान सारणेश्वर महादेव मंदिर के भीतर गंगा कुंड का नाम का एक ऐसा कुंड है जहां पर पूरे भारत में अकाल पड़ जाए फिर भी उस कुंड का पानी आज तक नहीं सूखा। उस कुंड में शिवरात्रि की रात को गंगा माई खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं के हाथों से 1.25 लाख गड़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाते हैं। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि शिवरात्रि की रात को मंदिर के कुंड में पानी की आवक अचानक बढ़ जाती है। उस पानी से भगवान भोलेनाथ का 1.25 लाख गड़ों से अभिषेक होता है। भक्तों की कई अस्थायी जुड़ाई है कुंड के पानी से चर्म रोग ठीक होने का भी यहाँ के लोग दावा करते हैं। बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों का दावा है कुंड के पानी से किसी भी प्रकार का चर्म रोग को पानी के स्पर्श करने के मात्र से ही चर्म रोग का इलाज होता है। लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान सारणेश्वर महादेव का मंदिर विश्व विख्यात है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोही राजस्थान से सुरेश कुमार दादलिया की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।